जो जम्मू की घटनाएं हुई हैं या जो पास्ट में भी जो घटनाएं हुई हैं उन सबका हमने स्टडी करके यहाँ पे पूरा सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त किया हुआ है। जो भी इनकी मॉडस ऑपरेंडी है टेररिस्ट की, उसको भी हमने स्टडी किया हुआ है, तो इसलिए कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सारे श्रद्धालुओं के लिए, उनके आने से लेकर रहने का सब कुछ का अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। सारे जगह पर हमारे सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और वो बड़ी अच्छे से यहाँ पे माता खीर भवानी का जो भी इनका मेला है और जो भी यहाँ पे पूजा का प्रोग्राम है अच्छे से अटेंड करेंगे। कश्मीर में हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस इन्वॉल्व है, उसके साथ साथ हमने CAPF और आर्मी को भी इन्वॉल्व किया हुआ है यहाँ पे सुरक्षा देने के लिए। जो भी इनका मूवमेंट होता है जो भी श्रद्धालुओं का, वो हमें पता है कि उनका कॉन्वॉय में भी होता है, नॉन कॉन्वॉय में भी होता है, सारे तरीके के जो उनके मूवमेंट होते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सारी एक्सेस पे अपनी डोमिनेशन रखी हुई है, तो इसलिए किसी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल, जो भी हमारे पास उपलब्ध हैं, जो भी हमारे हाईटेक गैजेट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, चाहे CCTV कैमरा हो, एक्सरे मशीन्स हो या ड्रोन्स हो, वो सबका हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सुरक्षा में कोई भी कमी ना रहे। बिल्कुल, जो भी उनकी स्ट्रेटजी उसको हम बराबर स्टडी करते रहते हैं, तो उसके हिसाब से अपने जो सिक्योरिटी के प्लान है वो भी हम चेंज करते रहते हैं। तो जो भी अभी तक हुआ है या पास्ट में जो भी हुआ है उसको हमने स्टडी किया हुआ, उसी के हिसाब से हमने सिक्योरिटी के अपने बंदोबस्त किए हुए, तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, चाहे वो गाड़ी में आए चाहे जैसे आए, वो सारी चीज़ें हमने अपने सिक्योरिटी प्लान में फैक्टर इन की हुई है। पवित्र अमरनाथ की तैयारियाँ चल रही हैं, सारी तैयारियाँ समय से पहले मुकम्मल कर ली जाएंगी, और जो कि ये हमेशा से ड्रिल सेट है तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे भी जो टाइमलाइंस हैं उस हिसाब से हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। हम अपने टाइम पे चल रहे हैं, इनफैक्ट टाइम से पहले भी चल रहे हैं, तो टाइम से पहले जो भी सुरक्षा के इंतजाम हैं वो जो हमारी अमरनाथ की यात्रा है उसके पहले हम कर लेंगे उसको भी। बिल्कुल, सारे श्रद्धालु सारे यात्री निश्चिंत होके आएँ, बेफिक्र होके आएँ, उनके लिए हम यहाँ पे 24/7 खड़े हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाली उनसे इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी हमारी तरफ से हिदायतें होती हैं उसको वो पालन करें, और उसमें सिक्योरिटी के जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो JK पुलिस के हैं, CAPF के हैं, या बीच बीच में कहीं पर आर्मी के भी मिलते हैं, तो उनके साथ कोऑपरेट करें।